मैं चाहता हूं कि कौमी यकजहती के एक तराने से, इस गीत से इस मुशायरे का आगाज हो, और कौमी यकजहती के इस तराने के लिए मैं गुजारिश करने जा रहा हूं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से, जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पर जिनकी पजीराई होती है, जिनकी मसरूफियत और मशगूलियत से आप बखूबी वाकिफ हैं, वो आए और इस महफिल मुशायरा का खूबसूरत आगाज अपने कौमी तराने और अपने कौमी गीत से करें। मोहतरमा शबीना अदीब के लिए तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें, फिर उसके बाद हम गजल के सफर पे शुरू हो जाएंगे। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई। सफल ग्रुप की जानिब से मुनक्किद आज का ये महफिल मुशायरा, मेरे लिए हुक्म है कि मैं इस मुशायरे का आगाज़ कौमी तराने से करूं। एक बात बता देना चाहती हूं, अभी मैं चंद लम्हे पहले जब एक खूबसूरत तकरीर सुन रहे थे बहुत ही मोहतरम आदरणीय नाना काहूजा जी की, मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि महोदय सुनील देशमुख जी तशरीफ़ फरमा है, मौजूद हैं। एक बात तो ईमानदारी से कहती हूं कि सर, आप जैसे लोग जब तक हैं तब तक ना तो ये भाईचारगी ख़त्म हो सकती है, ना हिंदुस्तान की खूबसूरती ख़त्म हो सकती है। हमारी हिम्मत आप हैं, मौसम कितने भी ख़राब आएँ लेकिन हम फ़ख्र करते रहेंगे, हम गर्व करते रहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। और जब तक ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं, ऐसी शख्सियतों पे हमें नाज होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसी शामें सजती रहें, हम सब यकजा रहें, ताकि ये मिशन, ये मकसद, ये मैसेज लोगों तक पहुंचता रहना चाहिए कि हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। क्या कहने शमुने? जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वतन का नगमा मैं पेश करती हूं, और अबरार भाई, मंजर भाई भी इस बात के गवाह हैं कि हमें तो जब नाज होता है कि जब हम दुबई हों, जद्दा हों, बहरीन हों, वहां जाएं और शबीना अदीब से अबरार भाई वतन के नगमे के लिए कहें, तब मुझे गर्व होता है कि हम कितने अजीम मुल्क में रहते हैं और वहाँ जाकर अपना तिरंगा भी फहराते हैं और अपने वतन का नगमा भी पेश करते हैं। तो आइए वतन का नगमा पेश करती हूँ, हमारे शोरा जो मेरे सरपरस्त हैं, चंद बंद मैं पेश करती हूँ। खालिद नैयर साहब ने इस खूबसूरत महफिल का इनकाद भी किया। अनिक भाई की बड़ी मेहनतें और मशक्क़तें और उनकी मोहब्बतें मुझे यहाँ तक खींच कर ले आई। वतन के नगमे के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां, मुझे ज़रूर इजाज़त, मैं चाहती हूँ कि मैं शेर जब पढूं आप जिस तरह चाहे सुने, मुझे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मैं जब वतन का नगमा पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, बड़ा नाज होता है। मैं चंद बंद पेश करती हूँ। कैलाश भैया मौजूद हैं, हिम्मत दे रहे हैं मुझे, आप सब जो मेरे अपने हैं, मेरे लिए ना तो अमरावती नया है ना अमरावती के लोग मेरे लिए नए हैं। मैं पेश करती हूँ, हिम्मत चाहती हूँ, पेश सुन लहाजा करें। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की, ये मोहब्बत की जमीन है, ये शहीदों का चमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। जब आती हूँ मुझसे वतन का नगमा पढ़वाया जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये नगमा मैं पहली मर्तबा अमरावती की सरजमीन पर पढ़ रही हूँ। आप सबकी मोहब्बतें मांगती हूँ, हिम्मत मांगती हूँ, दुआ चाहती हूँ और बंद प्रेश करती हूँ। सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं, जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं, इसके हर शहर में एहसास जवां होता है, इसके हर शहर में एहसास जवां होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है, अपने भारत की, अप
अपने भारत की जमीन इतनी हसी जैसे दुल्हन, ये वतन मेरा वतन, अच्छा ये वतन मेरा वतन। क्या कहने शबीना दीप, तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, नगमा वतन का सुन रहे हैं, और अगर भरपूर जोश भी ना हो अपने वतन के लिए तो मुझे नगमा अब आगे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ना चाहिए तो एक बार बताइए कि कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश, आप सब मेरे लिए काबिले एहतराम हैं, आप सब अपने हैं, इसलिए हिम्मत मांगती हूँ कि इस पे कुर्बान सभी, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए, इसको जंजीरें गुलामी से छुड़ाया सबने, इसको जंजीरें गुलामी से छुड़ाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, मिलके सब उठे तो, मिलके सब उठे तो पहना दिया गोरों को कफन। वाह 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 वाह, क्या कहने शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, काबे वाले कहो, बहुत शुक्रिया अनिक भाई, काबे वाले कहो उनको ना शिवाले वाले, काबे वाले कहो उनको ना शिवाले वाले, ना शिवाले वाले थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले, थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, फूल की तरह महकते हैं शहीदों के बदन, ये वतन ये बंद फिर पढ़ दीजिए, क्या बात है, फिर से पढ़ो, फूल की तरह महकते हैं शहीदों के बदन। मैं हाजिर हूँ, आप सब मेरे लिए मोहतरम हैं, मुझे हुक्म मिल रहा है, मैं पढ़ती हूँ। काबे वाले कहो उनको ना शिवाले वाले, काबे वाले कहो उनको ना शिवाले वाले, थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले, थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, फूल की तरह महकते हैं शहीदों के बदन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। नजीम हिंदुस्तान की एक और खूबसूरती पेश करती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा कि दिल में इज्जत है यहाँ, दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजे सूफी के लिए, दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजे सूफी के लिए, कृष्ण गौतम के लिए मथुरा काशी के लिए, कृष्ण, बहुत शुक्रिया। दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजे सूफी के लिए, कृष्ण गौतम के लिए मथुरा काशी के लिए, कृष्ण गौतम के लिए मथुरा काशी के लिए, सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है, सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है, लप गीता भी है और सीनों में कुरान भी है, लप गीता भी है और सीनों में कुरान
अन के प्यार के बहते हैं यहाँ गंगो जमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की, ये मोहब्बत की जमीन है ये शहीदों का चमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन।